नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। कहीं आप भी बच्चा चोरी के शक की खबरें जो फैलाई जा रही हैं, उसको फैलाने में कहीं आप भी तो मदद नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी घटनाएं आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं। कहीं आप भी कहीं शिकार न बन जाए ऐसी घटनाओं के। इसलिए ऐसी घटनाएं अगर फैलाने में मदद कर रहे हैं तो इन घटनाओं को रोकने का प्रयास करिए, ना कि इन घटनाओं को फैलाने का। इन अफवाहों को जैसे जैसे आप फैलाएंगे, वैसी वैसी स्थिति आपके लिए और आपके समाज के लिए खतरनाक बनती जाएगी। रायबरेली में क्या हुआ, आपको इन तस्वीरों के जरिए समझना चाहिए कि एक युवक अपनी कार से जाता है और वहां से लौटते वक्त हिंसा का शिकार हो जाता है। उस पर शक लोगों का है कि चोरी बच्चा चोरी गिरोह का यह सदस्य है, और इसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं, देख लीजिए। रुक जाओ रुक जाओ। तस्वीरों के जरिए आप कल्पना कीजिए कि कहीं आपका बच्चा, कहीं आप और कहीं आपकी पत्नी, बहन, कोई आपके परिवार का सदस्य इस तरह की घटनाओं या इस तरह की हिंसा का शिकार हो जाए। आते जाते कहीं ऐसी अफवाह फैले और अचानक से आपको पकड़ लिया जाए और मारना पीटना शुरू कर दिया जाए तो आप क्या सोचेंगे, आप किसको दोष देंगे? ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, उनका मैं जिक्र करूंगा, लेकिन इन तस्वीरों को एक बार गौर से और देखिए। संभल के आदमपुर में मंद बुद्धि युवक की हत्या कर दी जाती है। संभल के रजपुरा में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। फतेहपुर में पथराव, दरोगा और सिपाही घायल हो जाते हैं। कानपुर देहात के अकबरपुर में मंद बुद्धि युवक की पिटाई कर दी जाती है। संभल में दो भाइयों की पिटाई की जाती है, एक की मौत हो जाती है जबकि एक घायल हो जाता है। मेरठ के श्याम नगर में महिला की पिटाई कर दी जाती है। मेरठ में महिला को बंधक बनाकर पीटा जाता है। मेरठ के पल्लमपुरम में दो लोगों की पिटाई इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उन पर शक है कि वो बच्चा चोर गिरोह के सदस्य है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में शख्स की पिटाई कर दी जाती है। हापुड़ में दो युवकों को इसीलिए पीट दिया जाता है क्योंकि उन पर शक है कि वो बच्चा चोर गिरोह के सदस्य है। शामली के कैराना में गुजराती महिलाओं से मारपीट की जाती है। हापुड़ के कोटला सादात में विक्षिप्त महिला की पिटाई कर दी जाती है। फतेहपुर में भीड़ ने पथराव किया इसलिए क्योंकि उनको ये सूचना मिली कि बच्चा चोर गिरोह वहां सक्रिय है, और इसी आधार पर लोग सड़क पर आ गए और वहां पथराव करना शुरू कर दिया। मुरादाबाद में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। कानपुर के अकबरपुर में बिल्लू की पिटाई कर दी जाती है। रायबरेली में वृद्ध और महिला की पिटाई कर दी जाती है। बागपत में एक युवती की पिटाई कर दी जाती है। हद तो तब हो जाती है जब गाजियाबाद में बच्चा चोरी के शक में महिला की पिटाई इसलिए कर दी जाती है क्योंकि बच्चा उसकी गोद में गोरा दिखाई देता है और उसकी जो दादी है वो सांवली है, इसलिए लोगों ने उस महिला को बच्चा चोर समझा और पिटाई कर दी। पटना के बेगमपुर में लोगों ने बवाल किया इस आधार पर क्योंकि वहां बच्चा चोरी की अफवाह फैली और लोग सड़क पर आ गए। एमपी के सागर में बीमार महिला की पिटाई कर दी जाती है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी कोलकाता में युवक की पिटाई कर दी जाती है। झारखंड के गिरडीह में महिला की पिटाई कर दी जाती है। महिला अपने बच्चे के साथ पैसा निकालने जबकि जा रही थी। 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक में इंजीनियर की हत्या कर दी जाती है। 2 जुलाई 2018 को चेन्नई में दो लोगों की पिटाई की जाती है। महाराष्ट्र के धुले में 5 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है क्योंकि उन पर शक है कि ये बच्चा चोर गिरोह के सदस्य, इसलिए उनकी हत्या कर दी जाती है। भीड़ हिंसा पर उतारू हो जाती है और उनकी एक एक कर पिटाई ऐसे की जाती है कि वो दम तोड़ देते हैं।
ऐसी दर्दनाक कहानियां न जाने कितनी सारी हैं। उन कहानियों को कितने पन्नों में पिरोएंगे और इस समाज को आने वाले दिनों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो इन बातों का जिक्र होगा, तब क्या जवाब देंगे? तब आप समाज के नाते क्या संदेश देंगे कि क्या हम भी वर्कशॉप यूनिवर्सिटी जो चलाई जा रही थी, जिसके जरिए अफवाहें फैलाई जा रही थी, उसमें हम मदद कर रहे थे और मदद के साथ साथ हम भीड़ बनकर एक हिंसा पर उतारू होते थे और लोगों की जो अनजान शख्स मिलता था उसको पकड़ते थे और पीट देते थे, क्योंकि किसी ने आरोप बेबुनियाद लगा दिया, किसी ने यह जांचने की कोशिश नहीं की, यह पूछने की कोशिश नहीं की कि क्या इसमें सच्चाई है, और अगर नहीं थी तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? मैंने जो आंकड़े गिना है उन आंकड़ों में बहुत सारे यूपी के आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा इस समय अगर कहीं अफवाह फैली है तो वो यूपी में फैल रही है, लोग हिंसा पर उतारू हो रहे हैं, इसके बाद पुलिस प्रशासन अब जाता है। पुलिस प्रशासन ने ये सीधे सीधे से कहा है कि ऐसी अगर अफवाह मिलती है तो डायल 100 को सूचना दीजिए। प्रदेश में कुछ जगहों पर बच्चा चोरी की बेबुनियाद अफवाह फैलाकर अराजक तत्वों द्वारा हिंसा कारित की गई है। जांच में हिंसा की घटनाओं में बच्चा चोरी की बात प्रमाणित नहीं हुई है। मेरी आपसे अपील है कि अफवाहों पर कतई ध्यान न दें, किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न ले और न ही हिंसा के भागीदार बने। ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होने पर 100 नंबर पर तत्काल सूचित करें। अब तक बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने व हिंसा कारित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 82 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे तत्वों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बयान को अगर आपने सुन लिया तो आप समझिए कि किस तरह का गिरोह आपके पीछे, आपके समाज के पीछे और आपके समाज को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। कहीं आप भी इसके शिकार हो सकते हैं, इसलिए समझ जाइए और लोगों को बताइए कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि इससे समाज का ताना बाना टूटता है, इसके साथ ही समाज में विश्वास की कमी पैदा होती है। इस बात से और पता चलता है कि कैसे समाज में हम जी रहे हैं और कैसा समाज हम बना रहे हैं कि एक छोटी सी बात जिसमें कोई आधार नहीं है और सिर्फ वो मैसेज आता है और उसके आधार पर हम ये राय बना लेते हैं कि यह बात सच होगी, हम ये जानने की कभी कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि क्या इसके पहले ये जान लेना चाहिए, हमको पुलिस प्रशासन को इस बात की खबर करनी चाहिए। उन सब चीजों को एक किनारे कर देते हैं और कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, एक भीड़ के साथ शामिल हो जाते हैं और भीड़ जो करती है उसके साथ आप भी करते हैं। उसमें सबसे पहले मदद तो वर्कशॉप यूनिवर्सिटी के जरिए की जाती है, एक मैसेज आता है और उस मैसेज को लगातार फैलाया जाता है, उस इलाके में लगातार चीजों को ऐसे होते आप देखते हैं, लेकिन एक बार एक फोन उठाकर पुलिस को सूचना देना मुनासिब नहीं समझते और उसके बाद जो चीजें होती हैं वो तस्वीरें जो अभी मैंने दिखाई, इन तस्वीरों के जरिए सोचिए कि कहीं आप ऐसी भीड़ का शिकार हो जाए तब आप क्या सोचेंगे, तब आप किससे शिकायत करेंगे, तब आप किससे गुहार लगाएंगे, क्योंकि भीड़ तो वहां ये सुनने को तैयार नहीं होगी कि आप कौन हैं, क्या हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं। बस भीड़ को एक ही शक काफी है मारने के लिए और वो शक आपके सामने है, इसलिए आप भी इस बात से सचेत हो जाइए।